गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 5 दिसंबर 2020 और आज हम कर रहे हैं घर वापसी। रात को 12:15 को हमारा ट्रेन है बंगाल के लिए, और ये जो पूरा जर्नी है ये आपको इस वीडियो के थ्रू दिख जाएगा। कम से कम 1.5 साल से 1.5-2 साल बाद मैं घर जा रहा हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई है कि कल रात को पूरी रात मेरे को नींद नहीं आया और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो वो सारी बातें बाद में करेंगे, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मुझे भी काफ़ी सारा पैकिंग अभी बाकी है तो वो भी करना है, फिर फ्रेश होना है, फिर जो भी करना है। आज मैं ड्यूटी में नहीं हूँ, आज मैं छुट्टी में हूँ, तो जितने भी काम है बाहर के सब निपटा के थोड़ी बहुत पैकिंग करके और निकलते हैं शाम को, तब आपको मिलेंगे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और ये रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद का। मैं जा रहा हूँ टॉयलेट, थोड़ा बैग वैग सब रख दिया है और मेरा जो रूममेट है वो उधर ही है। और रात को 12 बजे ट्रेन है, हम लोग ऑटो में आए, वो धोड़का से यहाँ तक ऑटो में आए, फिर यहाँ से अभी 12:15 को चढ़ेंगे ट्रेन में और फिर मिलते हैं। अहमदाबाद स्टेशन में है अभी 11 बजे रात के और हमारा आने वाला है ट्रेन। अभी चाय का मज़ा ले रहे हैं। ट्रेन और अभी हम लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गोवा नेटवर्क दिखा रहा है, हम महाराष्ट्र के अंदर है। अभी चाय पिया, ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करूँगा थोड़ी देर में। पुरुलिया एंटर करने के बाद ये घर हमको दिखने लगे। ये हमारे पुरुलिया के आदि वासिंदाओं के कल्चर का एक हिस्सा हुआ करता था, अभी तो मिट्टी के घर तकरीबन दिखने बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ गांव में आपको पुरुलिया में मिल जाएंगे ऐसे घर देखने के लिए। और ये कांसाई नदी के ऊपर बना हुआ फेमस कांसाई ब्रिज। हाँ जी, तो ऐसा करते करते हम घर पहुँच गए धक्के खाते हुए। और फिर घर जाने के बाद मुझे एक अलमीरा देखा जिस पे ग्रीन लाइट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप बना के अपना एक व्लॉग बना, इस व्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन पास के रूम पे सब बैठे थे तो मैं कर नहीं पाया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो गांव पे आने वाला व्लॉग है ये मेरा अहमदाबाद से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था और बाकी का व्लॉग आप देखते देखते आपको पता चलेगा। तो चलो, तो हम पहले आए अहमदाबाद से टाटा नगर ट्रेन में, क्योंकि अभी ट्रेन का माहौल जो है आसनसोल तक मुझे ट्रेन मिला नहीं, ट्रेन मिला था पर सीट नहीं मिला। तो हम पहले आए अहमदाबाद से टाटा नगर ट्रेन में, फिर टाटा नगर से मेरे गांव तक डायरेक्ट ऑटो करके हमने 100-150 किलोमीटर का जो सफ़र था हमने किया ऑटो में, वो भी हमने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। लेकिन पूरा व्लॉग जो है आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हारे थे और उस तरीके से व्लॉग शूट हुआ नहीं है। सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और दिल थाम के देखना पड़ेगा।
तो प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमारे पास जो है अभी कुछ काम बाकी है। मेरा रूम बन रहा है, रूम मतलब आपको पता चल रहा है, रूम एक यूट्यूबर का रूम मतलब सेटअप होता है उसका, तो मैं अपने सेटअप के पीछे खर्चा कर रहा हूँ। और सेटअप होते ही वापस से धांसुधार व्लॉग्स आने वाले हैं, व्लॉग्स आने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री की प्लान्स हैं वो भी आने वाले हैं। अभी तो हालांकि रूम का काम ख़त्म होएगा जनवरी 31 तक, जनवरी 30 तक मतलब 30 तारीख में मेरा शायद रूम बन जाए, तो सेटअप प्रॉपर हम बना लेंगे उधर बैठ के, और बाद में व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे। ये व्लॉग मैं अहमदाबाद से कैसे आया और आगे की जर्नी कैसी होगी, और इस व्लॉग के बाद ही आने वाला है जयचंडी पहाड़ मेला का व्लॉग, पहाड़ मेला प्लस पहाड़ दोनों का एक व्लॉग। अब आते हैं गाड़ी पे। तो हाँ जी, हंसते थे, बोलते थे कि ये क्या गाड़ी लिया तूने लड़कियों जैसा, या फिर कुछ फलाना ढिमकाना, बहुत सारा बातें मैंने सुना गाड़ी लेने के बाद। तो अब बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आप अपने जेब से लेते हो ना, तो आपके सामने अगर आपने साइकिल भी लिया हो तो पापा के पैसे से ख़रीदा हुआ ZMR से भी भारी होता है साइकिल। ये कुछ ऐसा ही है, आपके पास ZMR है, आपके पापा ने दिया है, मेरे पास TVS XL है, ये उससे ज़्यादा भारी है। हाँ जी, तो कहा जाता है कि जब आप कोई कहानी बनाने की कोशिश करते हो तो उस कहानी के पीछे पीछे हजारों कहानियां ऐसे ही बन जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन क्या है कि एक व्लॉग में सब कुछ बता देना तकरीबन नामुमकिन है, तो इसलिए व्लॉग का सिलसिला तो चलता रहेगा और आते रहेंगे कहानियां ऐसे ही, जितने जो भी हमारे साथ होगी या फिर जो भी हुआ है या फिर जो भी होने वाला है, आते रहेगा। बस आप साथ बनाइए रखिएगा, और इतना सारा फालतू बकने के बाद अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा।